तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल लव कुमार ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी हम उपस्थित हैं अपने ही ग्रामीण क्षेत्र में और आपको हम मुलाकात करवाने वाले हैं गांव के एक शख्स से। तो आइए उनसे बातें करते हैं। तो आप घर गृहस्थी चलाने के लिए खेती बाड़ी भी करते हैं, सब्जियाँ भी उगाते हैं, तो आप बताएँ कि सब्जी में आप क्या क्या उगाते हैं? खीरा हो गया, खरबूज हो गया, काकड़ी हो गया, लालमी काकड़ी हो गया, भिंडी हो गया, लौका हो गया, करेली हो गया, पालक हो गया, मूली हो गया, धनिया हो गया आदि। मतलब सब तरह के सब्जियां आप उगाते हैं। अच्छा, एक सीजन में लगभग आप सब्जियां बेच करके कितना पैसा कमा लेते हैं? इसको मैं अनगिनत पैसा है, इसको मैं कहना ही नहीं कि कितना कोई कर सकता है। लगभग अब एक कट्ठा में कमा सकते हैं 40 रुपये, कमा सकते हैं 1,00,000 रुपये कमा सकते हैं, इसमें कहने नहीं है। मतलब ये करने के ऊपर है, अगर अच्छा हो गया तो इसमें पैसा ही पैसा है। और खेती के अलावा और भी कुछ करते हैं? हाँ, थोड़ा मोड़ा पेंट वेंट कर लेते हैं और खेती में सोचते हैं कि मतलब घर का पेंट वेंट और प्लस में कि सब्जी सोचते हैं कि खिलौना बेचे के मूड हो गया कि आज मेला है तो हम खिलौना बेचने लगते हैं। अच्छा, खिलौना है। मूड हो गया कि आज रक्षाबंधन है तो हो सकता है कि हम फल बेचने लगे। मैंने हर काम मैंने करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है कि आप परिस्थितियों को देखते हुए आप हर काम कर लेते हैं, बहुत अच्छा है। और आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप कोई भी काम करने के लिए आप पीछे नहीं हटते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे बीच मिलन कुमार थे और ये अच्छा जानकारी दे रहे थे कि घर की स्थिति इनके ही कंधे पर है और घर का भरण पोषण ये करते हैं। खेती गृहस्थी के साथ साथ ये तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, जैसे मेला वाला हो गया तो मेला में खिलौना भी बेचने लगते हैं और बता रहे थे कि घर का पेंट पचौड़ा भी करते हैं, मतलब वाइल पुट्टी करते हैं। अच्छा, वाइल पुट्टी करने में आपको कितना मिल जाता है एक दिन का पैसा? सबसे पहले तो हम 80 रुपये से स्टार्ट किए हैं। अच्छा, 80 रुपये से स्टार्ट किए थे और अभी तो फिलहाल में 600-650 एक दिन चल रहा है, 500 कहीं चल रहा है, कहीं 400 रुपये चल रहा है। कोई इसमें अनलिमिटेड है, इसमें कहना नहीं है कि कितना कमा सकता है। अच्छा, बिजनेस ये चीज़ होता है कि कोई कितना कमा सकता है, कोई अनलिमिटेड है। मैंने ग्रामीण क्षेत्र में अगर पेंट पचौरा करवाते हैं तो वहाँ कम मिलेगा और वही अगर शहर में आप जाते हैं तो वहाँ पर पैसा थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। जी, जैसा रहता है वैसे कर अच्छा, सकता है। मैंने जैसा व्यक्ति है उसके हिसाब से आप पैसा लेते हैं। अगर अमीर व्यक्ति है तो पैसा थोड़ा दबा के लेते हैं और जो गरीब व्यक्ति है तो थोड़ा सा पैसा कम लेते हैं। बहुत अच्छा बात आप बता रहे थे कि इस आदमियों की परिस्थिति को देकर पैसा लेते हैं। चलिए, आप पे एक बहुत खासियत हमने देखा। तो दोस्तों, हम मुलाकात कर रहे थे मिलन कुमार से, जो कि बहुत अच्छा जानकारी दिए। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो बस इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।